2019 से लेकर सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप पर बच्चा चोरी की अफवाहें दोबारा तेजी से लौट आई हैं, जिस वजह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कई अन्य राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इस बार ऑल्ट न्यूज़ ने पाया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त और किन्नरों को इन अफवाहों द्वारा निशाना बनाया गया है। इन वीडियोज़ को इस प्रकार बनाया गया है कि इन्हें देखने से ये भ्रम पैदा हो कि भीड़ द्वारा पीटे गए लोग वाकई ही बच्चा चोर हैं। आइए ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं जिसे ऑल्ट न्यूज़ ने पिछले दो महीनों में संकलित किए हैं। एक वीडियो जहां पर एक महिला ने काले रंग की साड़ी पहन रखी है और जो लोगों से घिरी हुई है, उसे लोग पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे चुराए और वो बच्चे कहां हैं। अब ये बता, तूने बच्चे कितने पकड़े? एक पकड़ा, कल छोड़ी आई, बोल तो रही वो। अच्छा। बाजार में। वीडियो दरअसल यूपी के झांसी जिले के डमरौनी गांव का है, जहां पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के शक में पकड़ लिया था। बड़ागांव थाना के SHO RK पांडे ने जब ऑल्ट न्यूज़ से बात की तो उन्होंने बताया कि ये महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और हमारे यहाँ ऐसी कोई बच्चा चोरी की घटना नहीं हुई है। मानसिक रूप से बीमार एक और व्यक्ति बच्चा चोरी की गलत अफवाहों के शिकार बने थे। बच्चे कितने पकड़े तुमने अभी तक? दो पकड़े। दो बच्चे कहाँ है वो? घटना MP के मंडीदीप की है, जहां पर स्थानीय लोगों ने वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को घेर लिया था और उन्हें बच्चा चोर समझकर पीटा था। ये वीडियो सोशल मीडिया में एक झूठे दावे के साथ शेयर किया गया था कि 500 अंग व्यापारी हिमाचल के नारंगकेलों में घूम रहे हैं, पर घटना मंडीदीप से है और मंडीदीप के SHO ने ऑल्ट न्यूज़ से इस बात की पुष्टि की थी कि ये अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि बच्चा चोर गैंग पकड़ा गया है, कृपया ध्यान से देखिए। दरअसल ये तस्वीरें हरियाणा फतेहाबाद के रतिया की हैं। सिटी पुलिस ने हमें बताया कि ये दावा तथ्यहीन है। तस्वीरों में दिख रहे लोग ट्रांसजेंडर हैं और ये बच्चा चोर नहीं है, इसलिए इन तस्वीरों का बच्चा चोरी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया में दो तस्वीरें जिसमें लोगों से घिरी हुई एक गाड़ी की डिक्की में बच्चों को बैठे हुए देखा जा सकता है, बच्चों को अगवा करने के दावे से प्रसारित हैं। हमने अपनी जांच में पाया कि ये तस्वीरें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की हैं। दरअसल बच्चों के साथ ये परिवार अपने किसी परिजन के पिंडदान के लिए हरिद्वार गए थे। लौटते वक्त बच्चे खुद अपनी मर्जी से गाड़ी की डिक्की में बैठे थे। हरियाणा के लाडवा शहर के SI ओम प्रकाश ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह बच्चा चोरी की घटना नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तीन लोगों को रस्सी से बांधकर उनमें से एक शख्स को ये पूछा जा रहा है कि एक बच्चा कितने में बेचा, जिसके जवाब में वो कहता है 1,00,000 में। घटना पंजाब के फजिलका जिले की है, जहां पर विक्की नामक एक युवक को बंदूक की नोक पर यह बुलवाया गया था कि वह बच्चा चोर है और नशे बेचने का धंधा करता है। थाना सदर फजिलका के इंस्पेक्टर जसवंत सिंह ने हमें बताया कि बच्चा चोरी का दावा बिल्कुल गलत है। महिलाओं के कपड़ों में एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल था बच्चा चोरी की अफवाहों के साथ। पर ये व्यक्ति विक्षिप्त है और यूपी के झांसी के मौरानीपुर इलाके में स्थानीय लोगों ने इन्हें बच्चा चोर समझकर पीटा था। मौरानीपुर पुलिस ने ऑल्ट न्यूज़ को बताया था कि ये व्यक्ति मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका ग्वालियर में मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था। ये एक रेलवे स्टेशन पर भटक गए थे और भटकते ये यूपी के मौरानीपुर पहुँच गए। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़ कर पीटा था। एक वीडियो के साथ दो तरह का दावा किया जा रहा है। पहला, पंजाब में एक महिला ने पकड़ा बच्चा चोर गैंग का एक आदमी, और दूसरा, सावधान, पूरे हिंदुस्तान में रोहिंग्या के 2,000 लोगों की टीम आई है। असल में वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वेटर है जो शराब के नशे में था। तेरी पहन दिलन तो गोरखा है। इस वीडियो का बच्चा चोरी गैंग से कोई संबंध नहीं है। यह घटना जालंधर की है, जहां 7 अगस्त को कथित तौर पर शराब के नशे में वेटर ने स्कूल जा रहे बच्चे से हाथ मिलाने की कोशिश की थी तो लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर पीट दिया था। SHO रविंदर सिंह ने हमें बताया कि वेटर राजू ने ज़्यादा शराब पी रखी थी, वह बच्चा चोर नहीं है और बच्चे के परिवार की तसल्ली के बाद उसे छोड़ दिया गया था।
यह वीडियो हिमाचल में बच्चा चोर गिरोह के पकड़े जाने के दावे से प्रसारित है, पर यह घटना बच्चा चोरी की नहीं है। मंडी पुलिस से संपर्क करने पर वहां के एसपी गुरुदेव चंद शर्मा ने हमें बताया कि वे लोग बच्चा चोर नहीं थे, वे नशे में थे और उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा बच्चा चोर समझकर पीटा गया था। रायसिंह नगर में पकड़ी गई एक महिला जो बच्चा उठाती है, इसके साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक बूढ़ी महिला का हाथ पकड़े हुए एक शख्स उस पर बच्चा चोरी का आरोप लगा रहा है। वीडियो में दिखाई जा रही महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। रायसिंह नगर के थाना प्रभारी किशन सिंह ने महिला के बच्चा चोर होने के दावे का खंडन किया। भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने एक वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया था कि वीडियो में दिख रहा लड़का छोटे बच्चों का अपहरण कर उनके अंगों की तस्करी करता है। ये एक टोल की बात है, अभी प्रज्ञा की। पर जौलान पुलिस ने इस वीडियो को खारिज कर ये स्पष्ट किया था कि वीडियो में दिख रहे लड़के को खंभे से बांध कर लोगों ने उससे जबरदस्ती बुलवाया था कि वो बच्चा चोर है। जौलान पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया था। एक महिला का वीडियो जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये बच्चा चोर है और इसकी गैंग का नाम मम्मी मीडो है, जो पूरी पाली में फैली हुई है। सावधान, यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि वीडियो में दिख रही लड़की खुद बाल विवाह की शिकार है। यह घटना राजस्थान के पाली की है, जहाँ इस 17 साल की लड़की को मध्य प्रदेश से इसकी तीसरी शादी करवाने लाया गया था। इस लड़की की सौतेली माँ की दोस्त दीपिका, जो ये शादी करवा रही थी, और बाकी लोग पाली में देर शाम जब उस व्यक्ति का घर ढूंढ रहे थे जिससे शादी होनी थी, तभी भीड़ ने बच्चा चोर समझकर इस लड़की को पकड़ लिया, जबकि बाकी लोग भाग गए। ऑल न्यूज़ के साथ बातचीत में थाना प्रभारी गोविंदन ने बताया कि यह लड़की बिचौलिए के माध्यम से फंस गई है, जो बच्चा चोर नहीं है। इसे जोधपुर के बाल कल्याण गृह में रखा गया है और पुलिस उस महिला की तलाश कर रही है जो उसे यहाँ पर लाई थी। सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो बच्चा चोरी की अफवाहों से प्रसारित है, लेकिन यह महिला बच्चा चोर नहीं बल्कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बिहार के मेहंदीगंज इलाके में स्थानीय लोगों द्वारा इस महिला को बच्चा चोर समझकर प्रताड़ित किया गया था। पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमसे इस बात की पुष्टि की है कि यह महिला बच्चा चोर नहीं है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक आदमी को भीड़ घेर कर खड़ी हुई है और उसके साथ ये कहा जा रहा है कि बंदूकुई में पकड़ा गया बच्चा चोर। वीडियो राजस्थान के दौसा जिले के बंदूकुई की है, जहां पर एक आदमी जिसने शराब पी रखी थी उसे भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया था। बंदूकुई के थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने हमें बताया कि ये कोई बच्चा चोरी का केस नहीं था और इस आदमी को छोड़ दिया गया था। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में इस दावे के साथ वायरल थी कि किडनी बेचने वाले गिरोह बच्चों को अगवा करने के लिए घूम रहे हैं, पर यह दावा बिल्कुल ही गलत है। एमपी के ग्वालियर में एक बाबा सहित तीन को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर भगाकर मारा था। पुलिस अगर समय पर नहीं आती तो इन निर्दोषों की जान भी जा सकती थी। सोशल मीडिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बच्चा चोर होने के संदेह में स्थानीय लोगों द्वारा सवाल जवाब करने का एक वीडियो प्रसारित है। तू बोले ना मर जाता है मैं। तो अब ये सारे बदमाश हैं। अब उठ सारे। अरे अभी तो 11 बच्चे बता रहा है। हमने अपनी जांच में पाया कि यह व्यक्ति बच्चा चोर नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से बीमार है। यह घटना राजस्थान के दौसा जिले की है, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें बच्चा चोर होने के संदेह में प्रताड़ित किया गया था। मानपुर पुलिस स्टेशन के SHO सुरेंद्र कुमार बकौलिया ने बताया कि यह व्यक्ति बच्चा चोर नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से बीमार है। तो इस तरह आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी अफवाह की चिंगारी किस कदर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। किसी आदमी को शक के आधार पर बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई करना ना सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि अमानवीय भी है। इस तरह की कोई भी तस्वीर या वीडियो की सत्यता जाने बिना उसे साझा ना करें। धन्यवाद।